क्या तुम लोग पैरी को जानते हो? इस वाली पैरी को नहीं, इस वाले पैरी को। अगर तुम लोग किसी भी सोशल साइट पर इस टाइम पे एक्टिव हो तो तुमने इसकी वीडियो जरूर देखी होंगी। ये बंदा निको कार्डो एवोकाडो नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा हेट मिलती है। इसके यूट्यूब चैनल की वजह से नहीं, इसकी हालत की वजह से। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो मरना पसंद करेंगे, इसके जैसा बनना पसंद नहीं करेंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस बंदे ने पूरे यूट्यूब को 8 साल तक चूना लगाया है, और जो भी इसकी ये हालत है, ये सब इसका एक प्लान है हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये बंदा लिटरली यूट्यूब से ही मिलियंस ऑफ डॉलर कमा गया है। निकोलस पेरी, इस बंदे का जन्म यूक्रेन में हुआ था, और जब इसे पता चला कि ये अडॉप्टेड है तो इसे ADD नाम की बीमारी हो गई, जिसे अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में इंसान को बहुत ही ज्यादा अटेंशन की भूख होती है, तो अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए निकोलस पेरी यूट्यूब पर उतारा है निको कार्डो एवोकाडो के नाम से, अपनी अटेंशन की भूख को मिटाने के लिए। और इस इंसान ने कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही अलग तरीके का कंटेंट चुना, जिसे हम कहते हैं मुकबंग। मुकबंग एक ऐसा कंटेंट है जिसमें होस्ट अपने आप को बहुत ही ज्यादा खाना खाते हुए रिकॉर्ड करता है, जिसे देख के लोग एंटरटेन होते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पर ये वेगनिज्म को सपोर्ट करता था और वेजिटेबल्स ही खाया करता था, लेकिन कुछ समय बाद इसे वीगन कम्युनिटी से बहुत ही ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गई, जिसके बाद इसने वीगन खाना छोड़ दिया और वीगनिज्म कम्युनिटी को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसने मीट बीफ और चिकन खाना शुरू कर दिया, जिससे इसे साउथ कोरिया से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और जितनी ज्यादा इसे पॉपुलैरिटी मिली उतना ही ज्यादा खाना इसने शुरू कर दिया, और इसके इतने ज्यादा खाने की वजह से इसे OCD यानी ओबेसी कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, और इसे इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ये नहीं रुका। मानो उसके बाद तो इसने और भी खाना खाना शुरू कर दिया, जिससे कि ये इतना मोटा हो गया कि लोग इससे एंटरटेन होने की बजाय इसे लोग क्रिंज बोलने लगे। फिर ये बंदा एकदम से 7 महीनों के लिए गायब हो गया। इसने 7 महीनों तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी। इस चीज को देखकर लोग समझ गए थे कि ये बंदा आगे वीडियो नहीं बनाएगा। इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ अपने कंटेंट के चक्कर में बर्बाद कर ली है। बट 7 महीनों के बाद एक वीडियो अपलोड होती है विद द टाइटल ऑफ 2 स्टेप्स अहेड, जिसमें हम देखते हैं एक बंदे को जो बहुत ही ज्यादा स्लिम है और स्किनी है, जिसने अपना सिर एक पांडा जैसे हेलमेट के अंदर छुपा रखा था। एंड व्हाट ही सेड इज एक्चुअली शॉकिंग। इसका पूरा चैनल एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात पता क्या थी? इस बंदे ने अपना वजन 7 मंथ में 250 पाउंड्स तक कम कर लिया था, 116 kgs इन जस्ट 7 मंथ। इट्स लुक अनरियल। लेकिन मैं तुम लोगों से कहूँ कि ये कभी ऑटोमेटिकली फैट हुआ ही नहीं था, ये अपनी मर्जी से इतना फैट हुआ है। ये इसकी एक चाल थी, ये एक इसका सोशल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। और इसकी सारी ओवरवेट वाली वीडियो इसने एक साथ रिकॉर्ड की थी, जिन्हें ये रोज बारी बारी करके अपलोड करता था, जिससे लोगों को इस पर शक भी ना हो और ये अपना वेट लॉस करता रहे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लोग इसे सबसे ज्यादा हेट करते थे उन्हीं लोगों से इसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, और ये बंदा पूरे इंटरनेट का सूखा सूखा काट के चला गया। इससे कम से कम एक बात तो साबित होती है कि तुम सोशल मीडिया पे जो चीज देखते हो वो हमेशा सच्ची नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। So that's it for today। और तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें निकोलस की ये स्टोरी, जिसमें उसने बिना कत्थे कहीं चूना लगा दिया, कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।